खुद नशे में था तो बीवी को इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। शराब ही के नशे में उसने अपनी वाइफ को मारा है, किस बात के ऊपर मारा ये तो खैर कहना कंफर्म नहीं होगा। उसकी बीवी के साथ वो जो आए थे लड़के उसके साथ, तो वो उनको बेला फुसला के छत में ले जाने की कोशिश करी थी उन्हें। मैं अभी अबुल फजल के ई ब्लॉक में हूँ। ई ब्लॉक के बारे में आप सब जानते हैं। अबुल फजल के बारे में कहा जाता है कि ये वाला इलाका सबसे बेहतर इलाका माना जाता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाऊंगा जिसके बारे में आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। इसी ई ब्लॉक में दो चार रोज पहले एक नेपाली ने अपनी ही बीवी को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। हमारे साथ एक दूसरे नेपाली है यहाँ पे जो यहीं पे गार्ड का काम करते हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर हुआ क्या था, उस नेपाली ने किया क्या था, बीवी को उसने मारा क्यों। पहले तो मुझे अपना नाम बताइए आप। मदन नाम है मेरा। आप क्या जानते हैं उसके बारे में, उस दिन जो हुआ ऐसा कुछ क्या हो गया था? मैंने ना देखा, मैं सिर्फ सुनी हुई बातों को क्या सकता। सुना आपने? कि लड़का थोड़ा क्या नाम है नशेबाज था। क्या नाम था उसका, नाम बताइए। प्रकाश नाम था। प्रकाश नाम था जी, नशा करता था। हाँ, नशा करता था वो लड़का। तो उसने दो और लड़कों को बुला रखा था, तो मिल बैठ के क्या नाम है उन्होंने दारू वारू पी होगी जो भी नशा कराए। करने के बाद उन्हें वो नशा हो गया, तो उसकी बीवी के साथ वो जो आए थे लड़के उसके साथ, तो वो उनको बेला फुसला के छत में ले जाने की कोशिश करी थी उन्हें। प्रकाश की बीवी को छत पे ले गए? हाँ, कोशिश करी गई है जी। हाँ, तो उतरते हुए प्रकाश ने देखा तो इसी बात पे दोनों में कहा सुनी हो गई, और कहा सुनी में प्रकाश ने इतना मारा नशे के अंदर, खुद नशे में था तो बीवी को इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। मारते मतलब प्रेग्नेंट थी वो 3 महीने की। तो क्या उसके बीवी पे शक था क्या कि उसका किसी से गलत रिश्ता है? गलत, हाँ, उसकी दिमाग में गलत सोच आ गई उसकी, कि उसी के दोस्त थे, वही लेके आया था उनने बुला के। अब इस चीज़ को हम कह नहीं सकते, जो चीज़ हम आंखों से देखेंगे उस चीज़ को हम बताएंगे। अच्छा, तुम्हारी क्या मालूम है, तुम सब नेपाली एक दूसरे के जानने वाले हो, तो क्या उसकी बीवी भी पीती थी? मैंने देखा नहीं, मैं ऐसे कैसे कह दूँ कि पीती है। बाकी मैंने आदमी को देखा है, आदमी पीता था, अदरवाइज और भी नशा करता था वो। अब चुके तुम्हारी बिल्डिंग है उसकी बिल्डिंग जिसमें उसने मारा है पीटा है बीवी को, आमने सामने तुम्हारी मुलाकात भी होती रहती होगी, तो क्या इन लोगों का झगड़ा पहले भी कभी होता था क्या? बिल्कुल होता था। पी के वो अक्सर मारा करता था बीवी को, हमेशा मारता था वो। अक्सर पीने के बाद कोई ना कोई बात को लेके लड़ाई होती रहती थी, तो हमें इतना नहीं पता था कि क्या नाम है इतनी बात बढ़ जाएगी ना, हम पास में थे जो हम उन्हें बचा सकें। उनने इस कदर मारा उसके कि 3 महीने की प्रेग्नेंट थी बेचारी, उसके पेट वेट में भी लात मार दिया जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। प्रेग्नेंट थी तो ब्लड लोट वाली बात हुई थी, कुछ दर्द ज़्यादा होने लगा तो सवेरे 4 बजे करीब उसकी डेथ हो गई। वो मतलब परेशानी से जूझ जूझते हुए उसकी मौत हो गई। तो ये बताओ, उसकी अरेस्टिंग हो गई लड़के की? हो गई। वही अकेले अरेस्ट हुआ या और भी कोई साथी अरेस्ट हुआ उसके? साथी के बारे में पुलिस वाले जानकारी ले रहे हैं, जिस जिसके साथ वो पी खाना कर रहा था उन साथियों को पुलिस वाले पूछ रहे थे। बाकी मुझे इस बात का नहीं पता पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा है या नहीं, तो बाकी का ना मैं पूछ रहे थे पुलिस वाले कि हाँ भाई किसके साथ पी खा रहा था। देखिए, एक चीज़ आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए, ओखला जामिया नगर में एक नया ट्रेंड यही चला है कि हर आदमी अपने घर के नीचे कुछ नेपालियों को रखता है गार्ड के तौर पर। अब वो सारे नेपाली दिन ब दिन धीरे धीरे अपनी फैमिली को भी रखने लगे हैं। वो नेपाली बुरे नहीं होते, कोई क्राइम नहीं करते, ऐसा नहीं कि वो किसी का मर्डर कर देते हैं या चोरी करते, ऐसा नहीं करते, लेकिन उन सब में एक बात जो कॉमन है, वो सब के सब आदमी शराब ज़रूर पीते हैं। और ये वही नेपाली हैं जो अपने घर में शराब पी के मारपीट भी करते हैं, आपस में ही मारपीट करते हैं, उन्होंने कभी किसी दूसरे को नहीं मारा। शराब की वजह से आए दिन इनके अंदर मारपीट होती रहती है, और उस दिन इतनी मारपीट हो गई कि इस आदमी ने अपनी बीवी को पीट पीट कर मार ही दिया। तो ओखला में जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है नेपालियों को रखने का, जो लोग नेपालियों को रखते हैं उनको देखना चाहिए कि जिन लोगों को उन्होंने गार्ड के तौर पर रखा है वो तरीके से रहते भी हैं कि नहीं, तमीज़ से रहते भी कि नहीं। चूँकि ज़्यादातर नेपाली न सिर्फ शराब पीते हैं, कोई दूसरा नशा भी करते हैं। जो नेपाली से इलाके में रहते हैं वो शराब पीते हैं, और शराब पी के उनमें आपस में मारपीट भी होती है। इस बारे में तुम क्या कहोगे? देखिए, मैं इस बारे में तो ये कहूँगा, पीते तो सभी हैं, और पीने के बाद बहक जाए और इतना पी लें कि क्या नाम है भाई बहन बेटी ना देख पाएँ, तो वो कोई भी शख्स चाहे नेपाली हो, मोमडन हो, हिंदू हो, सिख हो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मुसलमान बहुत पीते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको
कि जो लोग पीते हैं उन पीने की वजह से उनमें आपस में अक्सर नेपालियों में मारपीट उनके अपने घर में ही होती है, ये बात मानते हैं आप या नहीं मानते? देखिए हाँ, हर घर में लड़ाई होती है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि होते हैं, पर इतनी भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए जिसके कारण की क्या नाम है औरों को परेशानी हो, और इतना भी नहीं पीना चाहिए लोगों को जिसकी वजह से आप इतना पियो, पीना हो, पीना तो चाहिए ही नहीं, घर पियो इतना कि सामने वाला आपसे क्या बात कर रहा है और आप उसको उसकी बात का जवाब दे सके। ये हमने भी ये सुनाई है, जब पुलिस आई उसको लेके गई पकड़ के, तभी हमें पता चला उसके बारे में कि इस तरह की कोई बात हुई है। तो जैसे यहाँ आसपास में लोगों से हमने इंक्वायरी की कि भाई हुआ क्या था एग्जैक्टली, तो पता ये चला कि वो एक तो लड़का काफ़ी नशा करता था, शराब पीता था, और शराब ही के नशे में उसने अपनी वाइफ को मारा है। किस बात के ऊपर मारा है ये तो खैर कहना कन्फर्म नहीं होगा। कोई कह रहे हैं कि वो कोई लड़की से उसका कोई रिलेशन था खुद जो नशे में रहता था, तो वो उसकी वाइफ ने देख लिया, उसने घर में कुछ कलेश किया, उसकी वजह से उसने मारा। एक छोटा बच्चा भी है, दुख की बात तो ये है ना, शराब एक ऐसी चीज़ है कि जो मतलब इंसान की जो जहन की जो तवानियत है वो उसको बिल्कुल बर्बाद कर देती है, और वो फिर ये भूल जाता है कि उसका फ्यूचर क्या होना है, उसके बच्चों का क्या होना है, क्या वो कर रहा है। ये शैतान का सबसे बड़ा हरबा है कि वो शराब के नशे में फिर कुछ नहीं देखता। वही हुआ कि उसने मतलब अपनी बीवी को इतना मारा कि 3 महीने की प्रेगनेंसी बताते हैं उसको थी, और वो प्रेगनेंसी में उसने पैर लात वगैरह उसके पेट में मारी है। उसको हॉस्पिटल भी जैसे यहाँ मोहल्ले वालों को बिल्डिंग के लोगों को पता चला तो कुछ लोग पहुँचे उसके पास, उसको थोड़ा सा डांटा धमकाया और कहा कि भाई इलाज के लिए लेके जाओ, कुछ पैसे भी दिए इलाके के लोगों ने, और वो हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन जो इलाज मुकम्मल होना था वो इलाज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसकी फिर डेथ हो गई। या तो इसकी वाइफ के दूसरे से ताल्लुकात थे या फिर इस लड़के के किसी दूसरे और से ताल्लुकात थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वाइफ का गलत रिश्ता किसी और के साथ था, उस वजह से गुस्सा था ये। कुछ लोग कहते हैं नहीं इसी का दूसरे के साथ था तो वाइफ नाराज़ रहती थी। कुल मिला के ये जो है ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से ही, जिस्मानी ताल्लुकात किसी से बना लिया, बाहर बना लिया, इस वजह से भी हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल मुमकिन है। देखिए जब शराब के नशे में इंसान होता है तो उसको असली इंसानियत तो ख़त्म हो जाती है, क्या रिलेशन किसके साथ रखना, फिर वो एक जानवर की तरह से बिहेव करता है। तो मुमकिन है ये रिलेशन इस तरह से भी रहे हों कि वाइफ का दूसरे से हो या फिर उसका दूसरी वाइफ से हो। पता ये चला है कि ये नेपाल का है, वो लड़की आसाम की थी, और इसने जो इससे मैरिज की है वो लव मैरिज की है, और जो पहली भी उसकी बीवी थी तो इसने इसको भी धोखा दिया, अब ये तीसरे से भी रिलेशन बना रहा था। तो ये जो चीज़ें पता चली हैं वहाँ जाने के बाद में, वो दरअसल रिश्ते भी ख़राब हैं और शराब की ये दो बड़ी लानत हैं जो मतलब इसकी वजह बनी इस हादसे की। हर जगह लोग नेपाली को गार्ड को रखते हैं, नेपाली बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे लोग होते हैं नेपाली, वो बहुत मेहनती भी होते हैं, वाकई में कम पैसे में काम भी करते हैं, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि ज़्यादातर नेपाली शराब ज़रूर पीते हैं, ज़रूर पीते हैं वो वहीं, और वहीं मुसलमान की बिल्डिंग के नीचे रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि मुसलमान शराब नहीं पीता, मुसलमान भी शराब पीता है, बहुत से मुसलमान भी शराब पीते हैं, तो उसी बिल्डिंग के नीचे रहता है, पूरी बिल्डिंग में सब लोग नमाजी हैं, अच्छे लोग हैं, और नीचे वो कुछ रूम उसको मिला हुआ है, एक रूम उसे वो शराब भी पी रहा है, नाच गाना भी कर रहा है, डिस्को भी कर रहा है, और कभी कभी ऐसे क्राइम भी कर रहा है। तो ये जो ट्रेंड बढ़ रहा है नेपाली गार्ड को रखने का, इसको आप मुनासिब समझते हैं या इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत लगती है आपको? नहीं बिल्कुल ज़रूरत है सुधार की। देखिए वो जब हमारे साथ रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो अच्छाइयाँ हैं उन तक भी पहुँचे, तो इस बात की वाकई ज़रूरत है। जो लोग सोशल वेलफेयर के काम करते हैं हम लोगों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि जिसको हम रख रहे हैं वो किन किन ख़राबियों का वो घर बना हुआ है। अगर हमारी ही बिल्डिंग में रहते हुए कोई इंसान एक इंसान ही ना रहे तो फिर हमारा भी उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि हम क्या कर रहे हैं। वो हमारे साथ रहता है हर वक्त और वो शराब के नशे में इतने बड़े बड़े क्राइम कर जाता है, तो ये हमारी बिल्कुल इलाके के लोगों की, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, और इसमें एक एक्शन लेने की ज़रूरत है कि जितने भी हम गार्ड रख रहे हैं उनकी तहकीक करें पूरी तरह से कि शराब पीते हैं कितना क्या। हमें तो अभी इतला ये भी मिली है पब्लिक से कि जो लोग हमारे इलाके के लोग भी अगर शराब पी रहे हैं वो इन्हीं के थ्रू मंगवा लेते हैं, क्योंकि वो जाते नहीं वहाँ पर और ना जाने के लोग उनके देखेंगे, इस वजह से वो इन्हीं के थ्रू मिला के पी रहे हैं। ये भी हमें कल ही इतला मिली है, तो इस पर ज़रूर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे कौन कौन लोग हैं ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा काउंसलिंग हो, इन लोगों के भी एक प्रॉपर तरीके से वो होना चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, ये बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देखिए ई ब्लॉक की यही वो बिल्डिंग है, यहीं पे जो हर जगह आप देखते होंगे जहाँ भी लोग पार्किंग में नेपाली के लिए कुछ जगह रखते हैं जो गार्ड होते हैं उनके लिए, तो ये वो जगह है जहाँ पे वो गार्ड रहा करता था, यहीं पे वो रोज़ाना पिता भी था, बीवी से उसके झगड़े बहुत होते थे, और फिर एक दिन इतना खतरनाक झगड़ा हो गया कि उसने बीवी को इतना मारा कि बेचारी की मौत हो गई। वो प्रेग्नेंट थी, यानी कि उसकी हरकत से दो लोगों की मौत हो गई, दो जान चली गई।